कल अपन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कर रहे थे। मैंने एक मीनिंग बताई थी आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की, याद है? एक लाइन में बताई थी एक मीनिंग उसके, बताओ याद है किसी को? यस मैम, वो हाँ, मीटिंग जिसमें एनुअल और स्टैचुटरी मीटिंग ना हो, ना हो, स्टैचुटरी मीटिंग। स्टेचुटरी मीटिंग नहीं हो तो क्या होगा, कैसे होगा, वो अपन अभी डिस्कस करते हैं उसमें, ठीक है? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में थ्री पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, या इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को तीन तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग तीन तरीके हैं इसको कन्वे करने के, थ्री वेज। फर्स्ट है इसमें ऑन बोर्ड्स, ऑन मोशन, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी बात हो रही है बोर्ड्स में। नेक्स्ट है इसमें, एक सेकंड, इसको ना थोड़ा सा और डिवाइड कर देते हैं सब पार्ट्स में तो ज़्यादा इजी रहेगा समझना। अगर मैं इसको ऑन मोशन को हटा के थ्री वेज में थोड़ा इसको और डिस्क्राइब करते हैं, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलती हूँ मैं सिर्फ, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना? इसको मैं सब पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, बाय बोर्ड्स ऑन मोशन, या फिर ऑन द रिक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डर्स। सेकंड जो तरीका है वो है बाय रिक्विजिशनिस्ट, देमसेल्व्स, या फिर तीसरा तरीका है बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT बोलते हैं जिसको। तो ये तीन तरीके हैं इन तीन तरीकों से मीटिंग्स को कन्वे कर सकते हैं। तो पहला है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, बाय बोर्ड्स ऑन मोशन, अगर डायरेक्टर्स हैं बोर्ड में, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, अगर उनके पास कुछ ऐसा काम है जिसमें स्पेशल अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है शेयर होल्डर्स का, ठीक है? स्पेशल अप्रूवल रिक्वायर्ड है, कोई भी काम होगा जिसमें स्पेशल अप्रूवल रिक्वायर्ड है किसका, शेयर होल्डर्स का, तो ये मीटिंग तब होगी बाय बोर्ड्स ऑन मोशन। तो ऐसी सिचुएशन में ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कंडक्ट किया जा सकता है। इश्यू ऑफ राइट्स हो सकता है, या फिर शेयर्स को इश्यू करना हो, इश्यू ऑफ राइट्स शेयर, एक शेयर्स होते हैं जिनको बोलते हैं राइट्स शेयर, ये जब हम कैपिटल पढ़ेंगे ना उसमें मैं बताऊंगी कि किस टाइप का शेयर होता है। राइट्स शेयर मिलते हैं, हक होता है किसी का कंपनी में, जो एम्प्लॉयज होते हैं या कुछ एक पर्टिकुलर टारगेट पूरा करते हैं तो उनको कुछ स्पेशल शेयर्स दिए जाते हैं कंपनी के, जो काम करते हैं कंपनी के जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में उनको दिए जाते हैं, या फिर अगर जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनका रेम्यूनरेशन बढ़ाना हो, मतलब उनका सैलरी वगैरह बढ़ाना हो, या फिर कंपनी में न्यू मैनेजर अपॉइंट करना हो, मैनेजर का मतलब यहाँ पे MD से, मैनेजिंग डायरेक्टर से, होल टाइम डायरेक्टर्स में, तो ऐसी सिचुएशन में एक स्पेशल अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। इसलिए बोर्ड क्या करती है, खुद एक मीटिंग बुलाती है और उस मीटिंग को बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब इसमें ऑन द रिक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डर, सपोज बोर्ड एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में उसको कॉल करना पड़ता है, अगर जिसमें सपोज, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा और ऐड करवाऊंगी पॉइंट्स,
अगर शेयर कैपिटल कंपनी है, सपोज एक कंपनी है जिसका शेयर कैपिटल है, तो ऐसे मेंबर्स जिनका 1/10, जो जिनके पास कंपनी की शेयर कैपिटल है, एक सेकेंड देखो इसमें क्या था, किसकी बात कर रही थी मैं, ऑन द रिक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डर्स। तो देखो शेयर होल्डर्स कैसे सिचुएशन में मीटिंग को कॉल कर सकते हैं, 1/10 याद रखना, जो कंपनी की शेयर कैपिटल होती है उसका 1/10 जो मेंबर्स हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने वोटिंग राइट्स के रिगार्डिंग एक मीटिंग को कॉल कर सकते हैं। या फिर कंपनी जो शेयर कैपिटल से नहीं बनी है, जो गारंटी से बनी है, तो उसके 1/10 मेंबर्स होंगे वो लोग भी कॉल कर सकते हैं, किसके लिए, मीटिंग के लिए, कि उनको क्या है, कुछ पेपर्स साइन करने पड़ते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजने पड़ते हैं वोटिंग राइट्स के रिगार्डिंग। तो ऐसे सिचुएशन पे शेयर होल्डर्स मीटिंग को कॉल कर सकते हैं। इसमें किसी को डाउट है सेकेंड वाले पॉइंट में तो पूछो। पूछो मैम फिर से बताइए। क्या भाई, मुझे लग ही रहा था कि ना इसमें कुछ डाउट होगा। ये 1/10 वाले में हाँ देखो, पेड अप कैपिटल, जैसे कंपनी की कैपिटल है सपोज 10 लाख रुपए, है ना, तो 10 लाख का 1/10 कितना होगा बेटा, 1 लाख। वन टेंथ का, 10 लाख का 10वां हिस्सा कितना होगा, 1/10, 1 लाख ही होगा ना उसका। तो जिन शेयर होल्डर्स के पास 1 लाख तक के अमाउंट के शेयर्स हैं कंपनी के, तो ऐसे शेयर होल्डर्स मीटिंग कॉल कर सकते हैं। काहे के लिए, वोटिंग राइट्स के रिगार्डिंग, कि उनके कौन सी चीज़ों में वोटिंग राइट्स हैं, जब कंपनी कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रही है तो उसमें डिसीजन मेकिंग पावर क्या है शेयर होल्डर्स का। देखो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो बेसिकली ओनर्स होते हैं कंपनी के, तो उनको वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं मैटर्स में। तो और ऐसे वोटिंग राइट्स किसको मिलते हैं, पहले जिनके पास कम से कम 1/10 शेयर हो, तो ऐसे शेयर होल्डर्स मीटिंग कॉल कर सकते हैं और अपने वोटिंग राइट्स डिस्कस कर सकते हैं। अब क्लियर हुआ? ये जो वर्ड लिखा है रिक्विजिशन, इसका टू पार्ट्स में डिवाइड करो। देखो एक जो रिक्वेस्ट डाल रहा है मीटिंग के लिए, क्या होता है जब कोई रिक्वेस्ट करता है कि मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है, जब कोई रिक्वेस्ट करता है पर्सन, हम उसके बिहाफ की बात करेंगे, रिक्विजिशनिस्ट, जिसने रिक्वेस्ट की है मीटिंग डालने के लिए कंपनी में, तो उसकी रिक्वेस्ट डालने के, उसको जो नोटिस दिया है 21 डेज के अंदर अगर कंपनी मीटिंग नहीं बुलाती है, तो जो रिक्विजिशनिस्ट है, जिसने रिक्वेस्ट डाली है कि मीटिंग होनी चाहिए, ये रिक्विजिशनिस्ट कोई भी हो सकता है, कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हो सकते हैं, या शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, या स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं कंपनी के, ये कोई भी हो सकते हैं। तो जब इसने रिक्वेस्ट डाली है और उसके 21 डेज के अंदर मीटिंग नहीं होती, या मीटिंग का नोटिस भी नहीं निकलता है, समझ रहे हो बात, यानी उस मीटिंग का इनिशिएशन ही नहीं हो रहा है, नो मीटिंग होना तो दूर की बात है, उसका नोटिस ही निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर उसका नोटिस तक नहीं निकल रहा है, तो उस 21 डेज के बाद के 45 डेज में, 45 डेज के अंदर जो रिक्विजिशनिस्ट है वो मीटिंग बुलाएगा और लोग मीटिंग अटेंड करेंगे। दूसरी चीज, वो उसको 3 महीने के बाद नहीं कर सकता है एक्शंस। अगर रिक्विजिशनिस्ट ने रिक्वेस्ट डाल दी 21 डेज में मीटिंग नहीं होती है, अगर उसके बाद वो 45 डेज का एक्शन नहीं ले पा रहा है कुछ रीजंस की वजह से, तो 3 मंथ्स का टाइम होता है, वो लोग रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अगर वो इस 3 मंथ्स के टाइम में नहीं कर रहा है, तो एक्सपायर हो जाएगा उसका मीटिंग का रिक्वेस्ट। दूसरी चीज, अगर वो इन 45 डेज के बीच में कभी भी मीटिंग कॉल कर रहा है, तो वो मीटिंग लायबल होगी और उसको सब अटेंड करेंगे, और उस मीटिंग को कन्वे करने में जितना भी एक्सपेंस आएगा वो कंपनी बियर करेगी और उस रिक्विजिशनिस्ट को देगी। और जिस भी पर्सन का डिफॉल्ट है कि वो मीटिंग नहीं कन्वे कर पाया, तो उसके अकाउंट में से वो पैसा कटेगा, तब उसको रीइंबर्स कंपनी नहीं करेगी, उसके पर्सनल अकाउंट से पैसा जाएगा।
अब क्लियर हुआ, बाय रिक्विजिशनिस्ट देमसेल्फ। मैम 3 महीने वाला पॉइंट क्या था? अगर वो 45 डेज में नहीं कर रहा है तो 3 मंथ्स में क्या हो जाएगा, एक एक्सपायरी डेट है, 3 मंथ्स तक एक्सपायरी है कि वो 3 मंथ्स के अंदर उसको मीटिंग को कॉल कर सकता है या फिर उसके रिगार्डिंग एक नोटिस दे सकता है रिक्विजिशनिस्ट। उसके उसके पास राइट्स हैं 3 मंथ्स का। देखो ये 45 डेज है, 1.5 मंथ हो जाएगा है ना, और 3 मंथ्स कितना हो जाएगा, 90 डेज। अगर वो मीटिंग नहीं कन्वे कर पा रहा है 45 डेज में तो उसको एक्स्ट्रा और 45 डेज मिल रहे हैं एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि तुम मीटिंग क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि एप्लीकेशन तो तुमने ही दी थी। जब कंपनी ही नहीं कर रही है तो आप मीटिंग कन्वे करो, और वो नहीं कर रहा है तो वो वैलिड रीजन दे सकता है, लेकिन 90 डेज के बाद वो रिक्वेस्ट रेज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने खुद ही इनिशिएट नहीं लिया था। नेक्स्ट है इसमें बाय द NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। देखो NCLT जो बोला कि एक तरीके का कंपनी कोर्ट है, ये हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में मैंने इसके बारे में बताया था आपको NCLT में, कि NCLT के पास राइट्स हैं, वो कभी भी मीटिंग कॉल कर सकती है, और ये NCLT जब भी कंपनी की मीटिंग कॉल करेगी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ही कहलाएगी, क्योंकि इसका कंपनी से रिश्ता नहीं है, ये तो एक तरीके का कोर्ट है। तो ऑब्वियस है कि जब वो मीटिंग कॉल कर रही है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है। प्लस अगर आप लोग इसके ये इसके पास क्या फाइन लगा सकती है, पावर है, और क्या पावर है इसके पास कि वो फाइन डेली का कितना रहेगा, 5,000 रुपीज पर डे, जब तक आप लोग अपने फॉल्ट को सही नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये चाहे तो वन टाइम फाइन भी लगा सकती है 1,00,000 रुपीज का कंपनी के ऊपर। याद है ये सब मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, लास्ट मतलब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के टाइम पे। तो ये वही NCLT के पॉइंट्स है। नेक्स्ट देखो, ये हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब लास्ट है इसका एक मीटिंग जो बचा है, इसमें क्लास मीटिंग, ठीक है, क्लास मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग हमने की थी एनुअल जनरल की, सेकंड हमने की आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल, और तीसरा है इसमें क्लास मीटिंग। अब देखो क्लास मीटिंग के बारे में, देखो क्लास मीटिंग में क्या होगा, एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स होता है। सपोज कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर्स के भी टाइप होते हैं, देखो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं कंपनी में, या फिर इक्विटी शेयर्स, जैसे शेयर्स का क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं ना, शेयर के टाइप्स होते हैं, तो ये शेयर के टाइप्स हैं। तो देखो दो टाइप के शेयर्स होते हैं किसी भी कंपनी में, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स। दो टाइप के शेयर होल्डर्स होते हैं। तो अगर पूछता है कि आपके पास कौन से शेयर्स हैं कंपनी के, तो वो बोलेगा मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और दूसरा पर्सन बोलेगा इक्विटी शेयर्स। तो क्लास मीटिंग मतलब जिनके पास एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स को बुलाया जाएगा, अगर कंपनी को लगता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग होनी चाहिए तो इनकी मीटिंग बुलाएगा, या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग होनी चाहिए तो सिर्फ वो उन्हीं को बुलाएगा जो मेंबर्स उस मीटिंग के रिगार्डिंग कंसर्न्ड हैं, सिर्फ उन्हीं को बुलाएंगे। ज़्यादा भीड़ नहीं बढ़ाना है, अननेसेसरी चीज़ों को नहीं बतानी है चीज़ों को, अगर उसमें किसी का काम नहीं है तो ऐसी सिचुएशंस पे क्लास मीटिंग्स बुलाई जाती है जो पर्टिकुलर उस पर रहता है। अब देखो मैं प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर की एक मीनिंग बताती हूँ आपको, याद रखना। प्रेफरेंस नाम दिया है यानी उनको कंपनी में पहले प्रेफरेंस दी जाती है, कब, जब कंपनी बंद होती है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ आपको, इसलिए बता रही हूँ कि आगे वाले चैप्टर्स या बीच में कभी कभी कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जब आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, जब कंपनी बंद होगी या जितने टाइम के लिए शेयर होल्डर से पैसा लिया गया है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो जब उनका वो टाइम लिमिट खत्म होगा तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, किसको, तो इससे उनका नाम पड़ा प्रेफरेंस शेयर्स, किनको मिलेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को लास्ट में दिया जाता है पे, लास्ट में पे किया जाता है, ठीक है। अब देखो लेकिन जस्ट इसका अपोजिट होगा इसमें, अभी जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ना वो कंपनी के ओनर कहलाते हैं,
शेयर होल्डर्स ओनर कहलाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो ओनर होता है वो कौन होता है? कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर होता है। दूसरी चीज इसमें क्या होती है, इनके पास जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट्स होता है कंपनी का, क्योंकि वोटिंग राइट्स क्या होगा, देखो ये ओनर इसलिए कहलाएंगे, इनको क्या है पहले प्रेफरेंस मिल रही है। सपोज अगर कंपनी बंद हो रही है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से कंपनी में सपोज अगर पैसे आए हैं, ध्यान से सुनना, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कंपनी को 10 लाख मिले हैं और इक्विटी शेयर से कंपनी को 20 लाख मिले हैं और टोटल कंपनी की कैपिटल थी 30 लाख रुपए, कंपनी की टोटल कैपिटल है 30 लाख, तो टाइप्स ऑफ शेयर्स इशू करती है कंपनी हमेशा, टाइप्स ऑफ, ए टाइप ऑफ शेयर्स, बी टाइप ऑफ शेयर्स, सी टाइप ऑफ शेयर्स, आप उसको ऐसे भी समझ सकते हो। सपोज प्रेफरेंस शेयर्स ए टाइप का है, इक्विटी शेयर्स बी टाइप का है, तो ए टाइप ऑफ शेयर्स के लिए हमको टोटल 30 लाख आए हैं, इसमें 10 लाख आए, इसमें 20 लाख, तो जब कंपनी बंद होगी, अब कंपनी के पास समझो फंड है 20 लाख का, जब कंपनी बंद हो रही है अब कंपनी के पास फंड है 20 लाख का, तो कंपनी क्या करेगी ऐसी सिचुएशन पे, हम बोलेंगे शेयर्स तो शेयर्स ही हैं तो दोनों को रेशियो में बांट देते हैं, 20 लाख को 30 लाख के रेशियो में बांट देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उस समय क्या होगा, जो प्रेफरेंस शेयर है उनको पूरा पैसा मिलेगा 10 लाख, कितने में से 20 लाख में। अब जो रिमेनिंग 10 लाख बच जाएगा वो अब कौन उसमें से डील करेगा, इक्विटी शेयर्स मैनेज करेंगे, तो इसलिए प्रेफरेंस दी जाती है इनको, किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब दूसरी बात देखो, अब तो यहाँ पे अमाउंट तो मैंने कम लिया था 20 लाख, अब सपोज यहाँ पे कंपनी के पास पैसे बचे हैं 50 लाख, बंद होने के टाइम पे कंपनी के पास प्रॉफिट है 50 लाख का, अब क्या करेगी कंपनी, देखो अब तो इसको प्रेफरेंस मिली थी इसलिए अब इसको 50 में से 10 मिलेगा, अब कंपनी के पास बचा कितना 40 और इक्विटी को देना कितना है 20, तो कंपनी क्या करेगी पूरा का पूरा 40 किसको देगी, इनको देगी 20 लाख वालों को, क्योंकि देखो इनको लॉस में अगर ये लोग शेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि प्रॉफिट भी यही लोग ज्यादा शेयर करेंगे, इनके पास वोटिंग राइट्स हैं, इनके ये ओनर इसलिए कहलाते हैं कंपनी के, क्योंकि इनको जब लॉस में शेयर मिल रहा है तो प्रॉफिट में भी इन्हीं का ही शेयर होगा, या फिर जब कंपनी की ऐसी कोई पॉलिसी बनती है, या तीसरी कैटेगरी और सुनो, कभी कभी कंपनी की पॉलिसीज होती हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बच जाता है तो उसका 1/10 आपको कंपनी देगी, ध्यान से सुनना, अगर इक्विटी शेयर्स को देने के बाद कंपनी को कोई प्रॉफिट बच जाता है तो उसका 1/10 आपको देगी, 1/10 याद रखना, तो जैसे ये 50 लाख है, 1/10 एक एग्जाम्पल है, वो 1/5 भी हो सकता है, 1/20, 1/30 भी हो सकता है, तो सोचो ये 50 लाख में से 10 लाख पे कर दिया कंपनी ने, फिर जो 20 लाख है फिर पे किया, अब कंपनी के पास 20 लाख बच रहे हैं, ठीक है, देखो ये 30 लाख देने हैं तो उसने दे दिया, अब कंपनी के पास 20 लाख बच रहे हैं, तो कंपनी की पॉलिसी क्या थी, इक्विटी शेयर्स देने के बाद प्रेफरेंस शेयर्स को अगर हम 1/10 देंगे तो जो 20 लाख बचा हुआ है उसका 1/10 जितना भी अमाउंट होगा वो प्रेफरेंस के पास जाएगा, फिर जो और बच गया बाद में वो फिर से किसके पास जाएगा, इक्विटी के पास, तो ऐसे टाइप्स होती हैं, ये एक एग्जाम्पल था, ये मैंने इसलिए बताया कि नेक्स्ट टॉपिक में हमको इसको डिटेल में पढ़ना है, तो ये था टाइप्स ऑफ शेयर्स। देखो अदर मीटिंग्स में डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स वो होते हैं, इनसे भी देखो कंपनी पैसे ही लेती है, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपनी के ओनर्स, जब हम उनसे पैसे रेस करवाते हैं, जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं और जब हमको स्टार्ट करने के लिए जब हमको कैपिटल चाहिए रहती है तब हम शेयर्स के थ्रू पैसे रेस करते हैं, वो हो जाती है शेयर कैपिटल, और जो वो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में वो हो जाते हैं शेयर होल्डर्स, लेकिन उसके बाद भी तो कंपनी को मनी की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो तब जब कंपनी को पैसा चाहिए रहता है और कंपनी बोलती है अब हम पैसे शेयर्स के थ्रू रेज नहीं करेंगे, ये पैसे अब हम कहें कोई और तरीके से इसको रेज करेंगे, तब ऐसी सिचुएशन है कंपनी जब डेप्ट अपना इश्यू करती है, डेप्ट डेप्ट यानी कर्ज, है ना, एक वर्ड लिख रही हूँ उसमें सुनना, ब्रैकेट में डेप्ट, है ना, तो
जब कंपनी अपना डेप्ट रेज करती है दूसरे तरीके से, तो वो और उसके लिए जब कंपनी उनको, जैसे शेयर कैपिटल में अपन एक सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं ना, शेयर वारंट बोलते हैं जिसको, शेयर होल्डर्स को, वैसे ही जब इनसे डेप्ट लेती है कंपनी, इनको एक सर्टिफिकेट इश्यू करती है, तो वो कहलाते हैं डिबेंचर होल्डर्स। क्लियर हुआ? मीनिंग क्लियर है डिबेंचर होल्डर्स की? बताओ, एक सेकंड। देखो, जो आप लोगों का ना एक टॉपिक है कैपिटल ऑफ द कंपनी, एक चैप्टर है अलग से, वो मैं साथ साथ इसी के ही कंटिन्यू कर रही हूँ मीटिंग्स वाले के साथ। जो क्वेश्चन था ना वो बहुत अच्छा था। जो शेयर होल्डर्स हैं, देखो, जो शेयर होल्डर्स को जब हम कुछ पे करते हैं तो हम किससे पे करते हैं उनको? प्रॉफिट में से। और उनके प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। लेकिन जब हम डिबेंचर होल्डर्स को पे करते हैं, जब हम डिबेंचर होल्डर्स को पे करते हैं तो वो हो जाता है इंटरेस्ट, हम उनको ब्याज देते हैं। आया समझ में? और हम इनको इंटरेस्ट किस में से देते हैं? प्रॉफिट में से देते हैं। समझ में आया? जो हमारा प्रॉफिट बचता है शेयर होल्डर्स के लिए, जो हमारा प्रॉफिट बचता है वो कैसे बचता है? इंटरेस्ट का अमाउंट काटने के बाद और फिर टैक्स पे करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो कहलाता है प्रॉफिट, और उसमें से हम शेयर होल्डर्स को पे करते हैं। तो डिबेंचर होल्डर्स, मैंने बताया कि एक तरीके का डेब्ट है, तो इनको ब्याज मिलता है, ठीक है, इंटरेस्ट मिलता है इनको। क्लियर हुआ? यस मैम। मतलब मैम, जो इंटरेस्ट कटता है वो जाता है डिबेंचर्स होल्डर्स के पास, उसके बाद जो बचता है वो शेयर होल्डर्स के पास जाता है। टैक्स कटता है कंपनी में, जो टैक्स कटेगा, इंटरेस्ट कटेगा, फिर जो प्रॉफिट बचता है वो भी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पूरा का पूरा प्रॉफिट बांटना चाहती है एज अ डिविडेंड, या फिर कुछ अमाउंट रिजर्व करके रखना चाहती है। कंपनी रिजर्व करके रखेगी ना अपने फंड्स में फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, या कुछ प्रॉब्लम्स आए उनके लिए तो रिजर्व तो रखती है कंपनी, तो उसमें से फिर रिजर्व हटाती है, और फिर जो बच जाता है उसके बाद कंपनी कभी कभी चाहे तो डिविडेंड रिलीज करे या नहीं करे, वो कंपनी के ऊपर होता है। क्लियर है? यस मैम। तो ये होते हैं डिबेंचर होल्डर्स। अब इनकी मीटिंग के बारे में, ये तो डिबेंचर होल्डर्स की मीनिंग थी। तो सेम देखो, इसमें अगर कंपनी चाहे तो, देखो, एक तो सबसे पहले उसको अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में मेंशन करेगा कि इन करना पड़ेगा कि इन फ्यूचर अगर कंपनी पैसे रेज करती है तो डिबेंचर होल्डर्स के थ्रू भी कर सकती है, तो शेयर होल्डर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और उसको अपने मेमोरेंडम में ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी। तो इसलिए कंपनी को इनके लिए भी टाइम टू टाइम मीटिंग बुलानी पड़ती है। क्या डिस्कस होता होगा उस मीटिंग में? डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट, या फिर अगर कंपनी लॉस में चल रही है, कंपनी क्राइसिस में चल रही है तो कैसे डील करना है। दूसरी चीज़, अगर डिबेंचर होल्डर्स हैं या कंपनी कोई उनके पॉइंट में चेंजेस करना चाहती है, तो देखो कंपनी कभी भी ना इंटरेस्ट रेट बढ़ाती नहीं है, ऑलवेज कम कर देती है, तो कुछ चेंजेस करना चाहे तो, हाँ, जैसे, लेकिन अगर जो अच्छी कंपनीज है, रिलायंस है और टाटा है, विप्रो है, इंफोसिस है, ये लोग इंटरेस्ट बढ़ाते जाते हैं क्योंकि इनके पास प्रॉफिट अच्छा खासा होता है, तो ये लोग मार्केट में पैसा ज़्यादा देते हैं कि इन फ्यूचर उनके पास पैसे रहें, लोगों का ट्रस्ट रहे। तो लेकिन दूसरी कंपनीज हैं तो डिपेंड करता है उनके सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस के ऊपर, या कुछ भी और ऐसी चीज़ जो डिबेंचर होल्डर्स को पता होना चाहिए, तो उन सबको डिस्कस करने के लिए इनके बीच में एक मीटिंग बुलाई जाती है। किसके बीच में? कंपनी और डिबेंचर होल्डर्स में। अब ठीक है, देखो, जैसे इसमें एक वर्ड बताया मैंने प्रॉफिट के लिए डिविडेंड वर्ड यूज करते हैं, सेम जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनके लिए वर्ड यूज होता है इंटरेस्ट की जगह चार्ज। समझ में आया वर्ड? जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे अपन शेयर होल्डर्स को क्या देते हैं? प्रॉफिट। वैसे हम डिबेंचर होल्डर्स को क्या देते हैं? इंटरेस्ट। तो इसका एक दूसरा नाम रहेगा चार्ज, क्योंकि कंपनी के ऊपर क्या लग रहा है? चार्ज लग रहा है ना, वो अमाउंट कंपनी को क्या करना है? पे करना है। शेयर होल्डर्स को अगर कंपनी नहीं भी पे करती है
लॉस की सिचुएशन में तो चलेगा, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स में ऐसा नहीं चलता है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम।